टिकटॉक टिकटॉक टिकटॉक। तो फ्रेंड्स, फिर से टिकटॉक का रेटिंग डाउन हो चुका है। आज सुबह था 1.3, जो कि मिलियन 1.3 मिलियन रेटिंग था, और अभी फिर से डाउन हो चुका है, जो कि हो चुका है 1.2 मिलियन। ठीक है, यानी 1 मिलियन रेटिंग डाउन हो चुका है। और फ्रेंड्स, मैं आपको आज 5 टिकटॉक का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में बने रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में टिकटॉक का सर्वे चल रहा है। जितने लोग चाहते हैं कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो जाए और चाहते हैं टिकटॉक को हटाना इंडिया से, तो वो लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग नहीं चाहते हैं कि टिकटॉक ना जाए तो वो लोग डिसलाइक कीजिए। और किस लिए नहीं चाहते आप लोग टिकटॉक इंडिया में बंद हो जाए, तो उसके लिए आप रीज़न कमेंट में दे दीजिए, ताकि हम लोग पता कर सकें कि इतना लोग चाहते हैं कि टिकटॉक चला जाए। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट तक बात पहुँची है, और हाई कोर्ट उसी मामले पे सबसे ज़्यादा ये लेगी कि यूजर जो चाहते हैं वो वही करेगी हाई कोर्ट। क्योंकि टिकटॉक बहुत सारा नुकसान इंडिया को पहुँचाया, और क्या नुकसान पहुँचाया मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ, और हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स इसकी रेटिंग की, जो कि रेटिंग 1.2 में हो चुका है। अब चलिए हम प्ले स्टोर पर जाके देख लेते हैं। 1.2 देख लीजिए यहाँ पे टिकटॉक। अब अगर बोलेंगे कि मैं गलत दिखा रहा हूँ तो फिर से सर्च कर ले रहा हूँ आपको। देखिए, सर्च कर लिया, 1.2 आ चुका है रेटिंग। ठीक है, यानी रेटिंग फिर से डाउन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अभी आपको बता देते हैं कि टिकटॉक का सबसे पहला जो कि बेकार घटिया आइडिया वो क्या है। तो सबसे पहला जो है कि डिसलाइक, यानी डिसलाइक इसका, इसमें डिसलाइक का ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है फ्रेंड्स? डिसलाइक ऑप्शन अगर होता तो काफ़ी सारे जो कि आपके जेन्युइन क्रिएटर मिलते हैं, क्योंकि जेन्युइन क्रिएटर ही यहाँ पे टिकटॉक पे अच्छा पोस्ट वगैरह डाल सकते हैं और अच्छी वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे लोकल जो क्रिएटर हैं वो लोग घटिया वीडियो डालते हैं और बहुत सारा नुकसान पहुँचता है, जिसकी वजह से लोगों को, और घटिया वीडियो रिकमेंडेड में आ जाता है। फ्रेंड्स, आप लोग ये एक बार सोच के देखिए, आप लोग कभी अपने फैमिली के सामने बैठ के टिकटॉक देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे स्क्रॉल करते करते आप लोग जाते रहते हैं, वहीं पे आपके सामने ख़राब वीडियो भी प्ले हो जाता है और अच्छे वीडियो भी प्ले हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारा नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए यहाँ पे डिसलाइक का अगर ऑप्शन होता तो यहाँ पे जेन्युइन लोग निकलते। जितना वीडियो पोस्ट होता तो वहाँ पे अगर 50,000 भी लाइक हो और 10,000 डिसलाइक भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, टिकटॉक को पता चल जाता कि हाँ, इतना लोग इस वीडियो को चाहते हैं, इतना लोग चाहते हैं इसको ये। जबकि यूट्यूब में ऐसे ही है, अगर वो वीडियो को डिसलाइक आता है तो वो वीडियो को यूट्यूब वायरल नहीं करता, क्योंकि वो समझ जाता है कि टिकटॉक, सॉरी, वो समझ जाता है कि ये वीडियो में कहीं पर ख़राब है, तो जिसके वजह से टिकटॉक ये ऑप्शन नहीं रखा है, जिसके वजह से काफ़ी सारे लोग वायरल हो जाते हैं, जो कि नाले में कूदने वाले ये भी वो सब वायरल हो जाते हैं, बेकार बेकार वीडियो बना के वायरल हो जाते हैं। अगर डिसलाइक होता तो टिकटॉक उसको, उस वीडियो को प्रमोट नहीं करता, उस वीडियो को वायरल नहीं करता। ठीक है, और दूसरा जो बात है फ्रेंड्स, सबसे अच्छा बात बता रहा हूँ आपको, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच। यहाँ पे टिकटॉक पे क्या होता है, फ्रीडम ही नहीं है, जबकि यूट्यूब पे फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग काफ़ी सारे यूट्यूब पे देखे होंगे वीडियो यूट्यूब के खिलाफ ही है। ठीक है, कि यूट्यूब ऐसा है, यूट्यूब ऐसा है, यूट्यूब इतना पैसा काट लिया, इतना पैसा खा लिया। जबकि टिकटॉक पे अगर आप लोग एक बार भी बोल देते हैं कि टिकटॉक ऐसा खा लिया, इतना खा लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो इतना अगर बोल देते हैं तो टिकटॉक उस वीडियो को डिलीट ही कर देता है। ठीक है, तो चाहे आप 30 सेकेंड 10 सेकेंड का भी बनाएं तो वो वीडियो को वो डिलीट कर देता है, नहीं रखता, क्योंकि वो नेगेटिव ही, अपने बारे में नेगेटिव नहीं फैलाता। जबकि यूट्यूब पर अभी सर्च कर लेंगे, यूट्यूब अपना लाखों का वीडियो रिकमेंडेड में सर्च में दिखा देगा कि उसके खिलाफ में कितना वीडियो आया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको थर्ड ऑप्शन बता देता हूँ कि खराब वीडियो आप जितना देखेंगे टिकटॉक पे, 99% टिकटॉक पे खराब वीडियो है, यानी 1% जो कि सही मोटिवेशनल और अच्छी एजुकेशनल वीडियो सब रहता है, नहीं तो 99% खराब वीडियो। आप किसी के भी साथ में बैठ के देखते होंगे, कहीं पे भी देखते होंगे, आपके रिकमेंड में आ जाएगा, आप स्क्रॉल करते करते जाएंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। जबकि आप फैमिली पे भी देखते होंगे तो आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। ये हुई इसकी नेगेटिव। और फिर मैं आपको बता देता हूँ, टिकटॉक बच्चों के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप
आजकल देखते होंगे जितने ही ज़्यादा यूजर्स हैं वो छोटे छोटे बच्चे ही ज़्यादा टिकटॉक को पसंद करते हैं और टिकटॉक देखते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है, शॉर्ट वीडियो है और एंटरटेनमेंट के लिए वो देखते हैं। लेकिन उनको नहीं पता उस सर्च में और स्क्रॉल करते करते जब जाते हैं तो वहाँ पर ख़राब वीडियो आ जाता है और वहाँ पर वहीं से ख़राब वीडियो देखते देखते बच्चों के दिमाग में नेगेटिव इम्पैक्ट पहुँचाता है और जिसके वजह से बच्चों को लत लग जाता है उस टाइप का वीडियो देखने का और फिर वो काफ़ी सारा नेगेटिव वीडियो सर्च करते हैं, देखते रहते हैं। तो ये बहुत ही ख़राब है, जबकि बच्चों को उस टाइम अपना एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। टेंथ का एग्ज़ाम हो या फिर प्लस टू का एग्ज़ाम हो तो वो लोग अपना एजुकेशन पे ध्यान देने के बजाय वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं टिकटॉक पे, जो कि पूरा बर्बाद होकर निकल जा रहे हैं। और मैं हाल ही में आपको बता दूं कि एक टेंथ का जो कि बच्चा टिकटॉक बनाने के लिए अपना फैन पे, सेलिंग फैन पे ऐसे गमछा बांध के, अपने गले पे गमछा डाल के, तो वो लोग टिकटॉक का वीडियो शूट कर रहा था। एक छोटा बच्चा अपने रूम का कबाड़ भी लगा दिया, ठीक है, टेंथ पढ़ रहा था। और फिर क्या हुआ, वो वहीं फैन पे लटक के रह गया, जान भी उसका चला गया, ठीक है। जब परिवार के लोग खोल के देखे तो चला गया, जान चला गया, और टिकटॉक बना रहा था, वहाँ पे शूट हो रहा था, मोबाइल भी रखा था। तो ऐसा मत कीजिए, सबसे ज़्यादा खतरनाक है टिकटॉक और इसको आप अनइंस्टॉल ही कीजिए और डिलीट की भी कीजिए, ठीक है। और मैं इसका एल्गोरिथम के बारे में बता देता हूँ, टिकटॉक का एल्गोरिथम सही ही नहीं है। कब कौन सा वीडियो वायरल हो जाता है इसका कोई भी ये नहीं है। आप चाहे यहाँ पे देखिए क्या होता है, यूट्यूब पे कोई भी वीडियो अगर कॉपी किए होंगे तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है या फिर कॉपीराइट के खिलाफ हो जाता है। तो जहाँ की टिकटॉक पे आप जितना कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके भी आप लोग वायरल हो सकते हैं, यहाँ पे इसका ये भी नेगेटिव है। और आपको मैं बता देता हूँ कि आपका प्राइवेसी का इशू, यानी आप टिकटॉक पे जब ये करते हैं, रजिस्टर करते हैं, आप लोग ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल देते हैं, नेम वगैरह, आपको पता भी है टिकटॉक कहाँ का है, चाइना का एप्लीकेशन आपको पता है। जबकि अभी टिकटॉक और चाइना और इंडिया के बीच में अभी ज़्यादा पंगा चल रहा है, और सिर्फ चाइना का, इंडिया के साथ ही नहीं चल रहा है बल्कि अमेरिका वगैरह के साथ भी चल रहा है पंगा वायरस की वजह से। तो इसलिए ये प्राइवेसी का, आपका प्राइवेसी, आपका जो डाटा रखता है ये चाइना वाला रखता है, तो वो कब क्या आपके डाटा के साथ करेगा इसका कोई कुछ नहीं बता सकता और ना ही कोई बिगाड़ सकता। तो इसलिए बी केयरफुल, आप लोग सावधान हो जाइए। और मैं आपको बता देता हूँ टिकटॉक सबसे ही घटिया है, और मैं अगर आपका अपना अनुभव बताऊँ तो टिकटॉक को अनइंस्टॉल ही कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन क्रिएटर ही नहीं निकलते। कुछ लोग जेन्युइन क्रिएटर हैं जो कि अपना कला दिखाते हैं, अपना ये पर्पज दिखाते हैं कि वो सही में है, यहाँ पे अपना जो कि सब कुछ मतलब जिसके पास पैसा वगैरह नहीं होता वो इस शॉर्ट वीडियो को बना के अपना वायरल होकर अपना कला दिखा सकता है और यहाँ पे जेन्युइन जा सकता है, जैसे कि काफ़ी सारे लोग वायरल भी होके और फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में गए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे घटिया हैं जो कि 99% घटिया हैं, जो कि सिर्फ ख़राब पोस्ट डालते हैं और वो चाहते हैं उससे वायरल हो जाए, लेकिन ये सबसे गलत है। और अगर डिसलाइक वीडियो होता तो, डिसलाइक का ऑप्शन होता तो शायद वो वायरल ही नहीं होता। यहाँ पे तो सिर्फ लाइक है, अगर 50,000 लाइक भी आ गया ना तो ये लोग वायरल हो गए, ठीक है। तो अगर डिसलाइक होता तो डिसलाइक होता वीडियो पे तो वो वायरल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, मैं आगे भी आपको फुल डिटेल, फुल जानकारी दूंगा टिकटॉक के बारे में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे टिकटॉक को हटाना है। ज़रूर लाइक कीजिए करके अपना सर्वे में अनुभव दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।